दोस्तों, मेरे YouTube चैनल मेंटल हेल्थ थिंकर में आपका स्वागत करता हूँ। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माय YouTube चैनल, बिकॉज इस चैनल के जरिए मैं मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के भारतवर्ष में ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन शुरू करना चाहता हूँ और हम साथ मिलकर के एक जागरूकता उत्पन्न करें, जिससे कि हम आने वाले दिनों में अपने जीवन को अच्छे तरीके से ढंग से उसको आनंद से व्यतीत कर सके। मेरा आज का इश्यू है, किसी भी तरह के डर और भय से मुक्ति पाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब भी हम किसी भी तरह के डर से या किसी भी तरह के भय से लिप्त होते हैं, हम जीवन का उसके मूल रूप में आनंद नहीं उठा पाते हैं। और किसी भी तरह की मेंटल हेल्थ इश्यू भी आज हम देखें, जैसे कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो कि इनिशियल स्टेज में जब भी स्टार्ट होते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के डर से उत्पन्न होते हैं। तो किसी भी तरह के डर और किसी तरह के स्ट्रेस से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप में है, आप कोई मतलब किसी भी तरह का डर हो, आपने कोई फाइनेंशियली कुछ चीजें आपसे हो गई है जिसका आपको टेंशन है, कोई भी टेक एग्जांपल, कोई किसी भी प्रकार का डर अगर आपको है तो उसको लॉजिकली रैशनली आप सोच करके बाहर निकले, क्योंकि अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो स्लोली स्लोली ये फियर इतना बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा कि आप स्किजोफ्रेनिक भी बन सकते हैं। तो जब शुरुआती स्टेज में ही इस प्रकार का कोई भी भय हो तो उसको मेडिटेशन करके, शांति से बैठ के, दोस्तों से बात करके बाहर आना बहुत जरूरी है। डर से भागो मत, डट कर उसका सामना करो। ज्यादातर ये होता है कि हम किसी भी प्रकार की भय युक्त सिचुएशन या परिस्थिति जब हमारे आसपास आती है हम उससे भाग लेते हैं, पर भागना नहीं है, क्योंकि 95% चीजें जो हमारे दिमाग में सोचते हैं, इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, वो कभी असल जिंदगी में होती नहीं है। तो हमको ये सब चीजों से भागना नहीं है, डट कर फियर का, डर का सामना करना है। जब आप ये करेंगे तो आपको लगेगा कि जो आप सोच रहे थे ऐसा तो हुआ ही नहीं, और जो आपके विजुअलाइजेशन में, इमेजिनेशन में था, ऐसी कोई भी परिस्थिति असल में हुई नहीं है। तो डटकर सामना करने से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आप फियर साइकोसिस से बाहर निकल सकते हैं। रोजाना डायरी में अपने विचार लिखें, ये बहुत ही एक अच्छी चीज है और आदत है कि आप अपने विचार, खास करके जहां पे भी आपको फियर लगता है, भय लगता है, आप एंजाइटी फील करते हैं, आप स्ट्रेस फील करते हैं, इस प्रकार की जो भी इंटेंस सिचुएशन है, परिस्थिति है, उसको आप डायरी में लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप डायरी में अपने थॉट्स लिखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि किस प्रकार की परिस्थिति में किस प्रकार का आपका रिस्पॉन्स होता है, किस प्रकार से आप अपने ही मन को एजिटेटेड करके गलत तरह के फियरफुल या भययुक्त विचारों को पैदा करते हैं। तो ये बहुत ही हेल्प करेगा। मेडिटेशन और एक्सरसाइज से भी बड़ी मदद मिलेगी। हम सब जानते हैं कि मेडिटेशन और एक्सरसाइज ऐसी चीज है जिससे कि हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का एक हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है, और इस हार्मोन के वजह ही हम, हमारे फील गुड फैक्टर आता है। तो जब रोजाना अगर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हैं तो हमारे विचारों को भी अच्छे से समझ पाएंगे, कहीं ना कहीं हमारे विचारों को हम साक्षी भाव से देख सकेंगे, और ये बहुत ही जरूरी है फियर साइकोसिस या किसी भी प्रकार के डर या इमेजिनरी, जो एक इमेजिनेशन हमने किया है, उस पूरे जो डर का माहौल है उससे आपको बाहर निकलने में एक्सरसाइज और मेडिटेशन मदद करेगा। संतुलित आहार लिया जाए। ज्यादातर आज हम जंक फूड ले रहे हैं और हमारे जो भी मतलब मील है उसमें से हमने कहीं ना कहीं ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट गायब है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खास करके ज्यादा लिए जाए, क्योंकि वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं और इनसे मिनरल्स और एक प्रॉपर डाइट के कारण हमारे अंदर इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ जाती है, हमारे अंदर किसी भी प्रकार के स्ट्रेस को फेस करने की जो एक शक्ति होती है वो भी बढ़ जाती है। तो संतुलित आहार लिया जाए जिससे कि आप किसी भी प्रकार के स्ट्रेस या फियरफुल सिचुएशन को अच्छे से फेस कर सकते हो। किसी भी तरह के एडिक्शन से दूर रहे, खास करके जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम एंजाइटी में होते हैं, जब हम डिप्रेस होते हैं या हम फियर में होते हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए हम अल्कोहल, ड्रग्स, टोबैको या किसी भी प्रकार के सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्शन की ओर इजीली चले जाते हैं, क्योंकि वो हमको थोड़ी देर के लिए रिलीफ देता है। पर दोस्तों, आप लेंगे उस वक्त आपको थोड़ी देर के लिए रिलीफ मिलेगा, पर उसके बाद आप और भी डाउन फील करेंगे, आपका सेल्फ एस्टीम लोअर हो जाएगा। खास करके इंडिया में मैंने देखा है लोग बहुत सारा अल्कोहल लेते हैं, दूसरे दिन गिल्ट कॉन्शियस से पीड़ित होते हैं, अगेन दे फील वेरी लो, दे गो टू मच डाउन। तो ये अगेन आप में बहुत ज्यादा भय और डर और इनसिक्योरिटी पैदा करेगा। तो आप किसी भी प्रकार के एडिक्शन से दूर रहिए, क्योंकि ये आपको थोड़ी देर के लिए मदद करेगा पर 10 गुना ज्यादा फियर आप में क्रिएट करेगा। भगवान के प्रति आस्था बनाए रखिए। जब हम इस दुनिया में आए तब हमको कुछ पता नहीं था, हम बड़े हो गए, आज भी हम जी रहे, पूरी दुनिया चल रही है, विश्वास पे दुनिया कायम है, आस्था पे दुनिया कायम है, श्रद्धा पे दुनिया कायम है। तो जिसने हमें बनाया, जिसने इस पूरे यूनिवर्स को, दुनिया को बनाया, उसके ऊपर श्रद्धा रखे, कोई भी परिस्थिति को आनंद से, प्रामाणिकता से, निष्ठा से उसका सामना करे, वो कहीं ना कहीं एक दिन आएगा जब वो
जो काले बादल छाए थे आपके जीवन में, भय के, डर के, डिप्रेशन के, वो चले जाएंगे और फिर से जीवन आपका सुगंधित और आनंदित हो जाएगा। जरूरतमंदों को मदद करें, ये सर्वे में पाया गया है कि जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, आप जरूरतमंदों को मदद करते हैं, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, इससे आपके अंदर एक आत्मविश्वास निर्माण होता है, आपको संतोष मिलता है और कहीं ना कहीं ये आपके अंदर एक एनर्जी लेवल लाता है, जिससे कि आप काफी सारे जो डर आपको मतलब परेशान करते होते हैं, इससे निजात पा लेते हैं। तो अच्छे कार्यों की आज से ही शुरुआत कीजिए, निस्वार्थ भाव से कुछ कीजिए, जिससे कि आपका आत्मसम्मान, आपका आत्मविश्वास बढ़े, जो आपको डर की परिस्थिति से बाहर लाए। अपने डर के अनुभव को करीबी लोगों के साथ शेयर करें। जब हम हमारे डर के अनुभव को हमारे भीतर ही रखते हैं, वो बढ़ते जाते हैं। इससे अच्छा है कि हम अपने दोस्त या हमारे परिवार के कोई सदस्य, उसके साथ हमारी इन विभिन्न डर की परिस्थितियों को शेयर करें, क्योंकि ऐसा करने से ऐसा होगा कि आप और दूसरे लोग डिस्कशन करके उसको कम और रिड्यूस कर सकेंगे, और उससे यू कैन गेट रीड आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ फियर। क्योंकि अगर अंदर रखोगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, बढ़ता जाएगा और आपको बहुत ही परेशान करेगा। उसको शेयर कीजिए, पर ध्यान रखें कि जिसी भी साथ आप शेयर कर रहे हो, आपका करीबी दोस्त है जो आपका भला ही चाहता है। अगर आपने गलत लोगों से शेयर भी कर दिया, तब भी खास करके भारत में मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के स्टिग्मा है, आपको लोग पागल समझ सकते हैं, आपके लिए उनके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। तो जो भी करीबी नियर और डियर लोग हैं, फ्रेंड्स हैं, जो आपको समझ सकते हैं, उसके साथ अपने डर को शेयर कीजिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सपोर्ट मी, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।